यह है महिंद्रा का 585 DI, पहले वाला 2000 मॉडल है जो पहले आता था, अब तो नए मॉडल में आ गया है। आज हमने फिर गेहूँ निकलवाए हैं, हमने फिर इसी साल उसी मशीन से गेहूँ निकलवाए हैं जिससे हमने पिछले साल निकलवाए थे। देखिए कितना अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर। और ये हमारे ये हैं चचा, इनकी मशीन है। उधर हमारा ट्रैक्टर खड़ा दूसरे वाला महिंद्रा 265। टेम्परेचर बिल्कुल ठीक चल रहा। कौन सा है टेम्परेचर का मीटर इसमें? ये है देखिए, 80 पे चल रहा शायद। हवा फिर भी बहुत जो है हमारी तरफ आने लगा। देखो कितना अच्छा, छोटी मशीन है, पुराने वाली हड़म्पा पम्मी, अरे पम्मी की जो मशीन आया करती, अब तो बीर सिंह समराड़ा चल दी जाए तक, ये पम्मी वाली है। भूस बहुत अच्छा देती है यार, धूल सी ठा रखी है देखो चारों तरफ। ये रहा हमारा 265, नो फार्मर नो फोर्स, 2000 मॉडल है वो भी। यो पुराना मॉडल जो है 585 का, यो भी बहुत जानदार था, 50 पावर में था यो। इसमें मोटी करंक आया करी थी, जो 595 मीटर वो वही वाला मॉडल रहता यो, बस थोड़ा इसी का अंतर रहता। इसके जो हेड रहे ना हेड, इसमें हेड मोटी नोजलों का रहे, 595 मीटर वो उसमें बारीक नोजलों का रहे। देखो लंबे आवाज़ लगा रहे, दावा दाव लग रही, दावा दाव पैड फैड बन रहे, निकासी भी ठीक आ रही। गेहूँ की दिखाऊँ तुम्हें, देखो तो ये जो 585 है टर्बो 595 और 585 में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही अंतर है हेड का और नोजलों का। जो इसमें 595 टर्बो में नोजल है वे बारीक नोजल है, बारीक नोजलों का ही हेड है उसका, और जो ये 585 है इसमें मोटी नोजल है, बस थोड़ा यही अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं। और थोड़ा टर्बो लगा रखी, बाकी वही करंक, वही कनेक्टेड रोड, वही पिस्टन, वही स्लिप, वही रिंग, सब कुछ केम साफ्ट वगैरह पंप वगैरह सब वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हमारा खेत है, ये मेरे पापा जी है, ये मेरा लड़का है। गेहूँ अच्छा निकल रहा था, हमने कल और भी खेत कटवाया, उसमें भी हमारे 3 क्विंटल का निकला। पहले वाला कटवाया था उसमें 3.5 का निकल रहा, और इसमें जहाँ तक उम्मीद है ये भी जो है लाण को देखते हुए ऐसा अंदाजा आया कि 4 का पहुँच जाएगा। भूस देखो भाइयों कितना अच्छा, बिल्कुल ठीक है खरी भूस। जब हवा घूम हो जा, जब तो घूमने लगे आपको, लेकिन हवा हड़की सी चलो जा तो फिर ठीक ठाक हो जा। और भाइयों देखो किसान की ज़िंदगी तो ऐसी है, दोपहरी हो दोपहरी हो, सुबह हो शाम हो या रात हो, देखो काम तो करना ही पड़े। काम करे बगैर तो कहीं भी पैसा नहीं मिलता, नौकरी वालों को भी काम करना पड़े, ठल्ली बैठा के कोई उन्हें भी नहीं देखता। अभी ये मेरे पास जो है 16.5 बीघे गेहूँ थे, करीब ये होगी जी 53 क्विंटल, और भाई 1 लाख रुपये के करीब तो गेहूँ हो गए, 20,000 रुपये करीब इसका भूस हो गया, कुछ हमने अपने लिए रख लिया, और जी गन्ना हो गया था 5.5 के करीब, 5.25 के। और अब जहाँ पे इधर ली तरफा जो है धूल हो रही दिखाता मैं तुम्हें, मैंने उधर गेंदा लगा रखा, गेंदा भी ठीक चल रहा, बढ़िया रेट चल रहा 50-55 का। और जी फिर जो है इस जिस खेत में ये बिखर रहा लान, इस खेत में 2 बार मुंजी लगानी है, तो अपना किसान का तो यही है, देखो करना तो पड़ेगा।
अगर कुछ कर कमाना है तो। और बाकी अपना खर्चे तो देखो चलते ही रहे, किसान का खर्चा भी मोटा ही रहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।